नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात बीजेपी की रिपोर्ट में, किसका कितना सपोर्ट। दरअसल बीजेपी ने मतदान को लेकर सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। इसी टेंशन पर करेंगे बात मध्य प्रदेश की महाडिबेट। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी ने विधायकों से एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें विधायकों से कम मतदान को लेकर सवाल पूछे गए हैं। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की फीडबैक पर बैठक पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार रही है, इस बात को समझ चुकी है, इसलिए फीडबैक बैठक बुलाई गई है। बीजेपी का चुनावी मंथन, विधायकों की बढ़ी टेंशन। देश में 370 सीटें गठबंधन के साथ 400 सीटें पार का हमारा लक्ष्य, तो यह तमाम लक्ष्य हम हासिल कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है। आने वाले वक्त में तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएंगी कि किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न था और उसके क्या परिणाम सामने आने वाले हैं। चुनाव में कम मतदान, कैसा रहा 370 वाला प्लान। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, 400 पार वो नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण डर भय की स्थिति है, तभी बार बार काउंटिंग के बारे में पूछताछ चल रही है। नतीजों से पहले रिपोर्ट, कितना मिला सपोर्ट। मध्य प्रदेश में कम वोटिंग के बाद अब बीजेपी ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी के बड़े नेता इसका आकलन करेंगे। उधर काउंटिंग को लेकर जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा है, जिसमें फॉर्म 17C से मतों का मिलान करने की बात कही गई है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो एक तरफ बीजेपी की फीडबैक बैठक है और दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक लेटर लिखा है, जिसमें काउंटिंग के दिन अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का, रिपोर्ट का आकलन, किस किसको है टेंशन। जी हाँ, विधायकों को जवाब देना होगा कि अगर उनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है तो क्यों, कम मतदान से आखिर किससे है डर। कांग्रेस कह रही है बीजेपी डर गई है। कैसे रहा बीजेपी का 370 वाला प्लान, क्योंकि याद होगा आपको वीडी शर्मा ने कहा था कि हर बूथ में 370 प्लस हमें लेकर जाना है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, भूपेंद्र गुप्ता हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश अचल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, फीडबैक बैठक अगर बीजेपी कर रही है, रिपोर्ट अगर मांगी है विधायकों से, तो ये टेंशन की बात क्यों, हार का डर क्यों, क्या पता वो तैयारी कर रहे हो। तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसमें जो है बीजेपी परेशान क्यों हो रही, करें तैयारी। साथ में जो गारंटी दी थी श्री अमित शाह जी ने कि जिनके उसमें पोलिंग कम होगी उनको जो है मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, तो साथ में वो रिपोर्ट भी शाया कर दें। अकेले मध्य प्रदेश में एक मंत्री को छोड़ के बाकी सबकी दुकान डाउन है। 45% तो पोलिंग हुई है पिछले विधानसभा अध्यक्ष जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये जो 370 हर बूथ पर लाने वाले थे और जिस तरह के जो है ये जो जो जुमला अभियान चलाते हैं, मेगा बैठकें हुई, मैराथन बैठकें हुई, महिलाओं की अलग कोर कमेटी बनाई गई, कहां नहीं वोटे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का जो वातावरण बनाती है उस वातावरण की पोल खुल चुकी है। अब आप समीक्षा करें, बढ़िया समीक्षा करें और अपनी गारंटी को जो है अप्लाई करें तो प्रदेश को आप पर भरोसा होगा, नहीं तो ये तो बैठ के तो जो भोजन बैठक और विश्राम भाजपा के तीन काम ये तो चलते ही रहते हैं। डॉक्टर केसवानी, ये कहा गया जब पहले फेज में वोटिंग कम हुई और सेकेंड फेज में भी वोटिंग कम ही देखी गई, वोटर्स टर्नआउट जो रहा कम रहा, कहा गया कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है जो जमीन पर झंडा बुलंद करके चलता है और लोगों को बूथ तक लाने का काम करता है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट रहा कि भाई इस बार तो 400 पार, तो क्यों करनी मेहनत, कैसा रहा। नहीं अपना ये कहना गलत है आपका।
भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की प्रकाष्ठा करता है, और हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में थे, और जनता ने मोहर लगाने का काम, प्यार करने देने का काम, आशीर्वाद लाड़ प्यार दुलार हमें देने का काम किया है। और जब हम 4 तारीख को अंबरनाथ जी आपके साथ बैठेंगे तो मध्य प्रदेश में 29 मिशन 29 की सफलता की मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, और देश में अब की पार 400 पार के नारे को चरितार्थ करेंगे हम। इसका जो आप 370 की बात करें तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने माइक्रो मैनेजमेंट से 64,523 बूथों पर हमने काम करने का काम किया है, और उस पर हम डिजिटल भी गए, फिजिकल भी गए, हमारे पन्ना प्रमुख भी तैयार, अर्ध पन्ना प्रमुख भी तैयार, हमारी बूथ कमेटियां भी तैयार, और हम तो उस मूल मंत्र को लेकर जाते हैं, बूथ जीता चुनाव जीता। तो हम निश्चित रूप से हम अपनी मेहनत करेंगे, और निश्चित भूपेन जी को बुरा भी लगेगा इसीलिए वो इस तरह की बातें भी करेंगे। हम अपने हम सेटिस्फाइड है। और रही बात रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट को लेकर आज आप मीटिंग कर रही है, वो रिपोर्ट और सपोर्ट दोनों ही भाजपा के पक्ष में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं इस चीज को लेकर कि हम आपको मिठाई खिलाएंगे 4 तारीख को। अच्छा राकेश अचल जी, 3-4% पुरुष और महिला मतदाताओं दोनों को मिलाकर ही वोटर्स टर्नआउट में गिरावट दर्ज की गई अगर हम देखें तो, लेकिन यहां पर 370 प्लस हर बूथ पर जो बात बीजेपी ने कही और 400 पार को लेकर जितनी कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आई, ये भी सच है। हम मैंने भी खुद देखा है ग्राउंड पर जाकर कि बीजेपी के बड़े नेता चिंतित थे, और वाकई जिस लहर की उम्मीद की जा रही थी वो लहर कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर कमजोर जरूर दिखाई थी। प्रणत जी, देखिए स्थिति ये रही इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें कि 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में जिस उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया था उसके ठीक विपरीत लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया, खासतौर पर उन सीटों पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें थीं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। तो जाहिर है कि मतदाता का जो आकर्षण था भाजपा के प्रति वो थोड़ा कम हुआ है, और इसी को लेकर के शायद भारतीय जनता पार्टी चिंतित चुनाव के पहले भी थी और अभी भी है। अभी मतगणना में 2-4 दिन बाकी है, तो उसके पहले उनकी चिंता जाहिर स्वाभाविक है, और इस चिंता के लिए लिखा पढ़ी बैठकें ये पुरानी कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें नया कुछ नहीं है और उसको उसी दृष्टि से लेना चाहिए। लेकिन अब मुझे कहावत याद आती है कि अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो चिड़िया तो खेत चुक गई है, अब देखते हैं कितना चुक पाया उन लोगों ने। जी राजेश सिरोठिया जी, पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी ने तो शुरुआत से ही कह दिया था कि हम तो 28 नहीं 29 की 29 जीतने जा रहे हैं, फिर बीच में बात आई कि 2-5 पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, अब 7-8 सीटों को लेकर यह बात कही भी जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि क्या इसमें कांग्रेस ने फाइट लड़ी है या मतदाताओं में निराशा हताशा थी अपने सांसद अपने वही दशकों पुराने सांसद की वजह से, या एक और चीज जो मैंने ग्राउंड पर महसूस करी कि ये चुनाव था देश का लेकिन लोकल मुद्दों को लेकर वहां पर जो मतदाता था वो मुखर था। देखिए पर्णा जी, जो मध्य प्रदेश में जो टिकट बांटे गए भारतीय जनता पार्टी ने उसमें उनके उसमें अति आत्मविश्वास का अतिरेक जो है दिखाई दे रहा था, और उसके चलते जो 8-9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि बीजेपी के प्रत्याशियों को या सांसद पूर्व सांसद या सांसद अभी कहना चाहिए उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए वो 19-20 वाले नहीं थे, 18-22 वाले थे, इसलिए चिंता भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हुई है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि जो पहली और राजीव गांधी के निधन या शहादत के बाद जो है 1991 के बाद मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतना लंबा चुनाव चलाया है, 543 की 543 सीट नहीं, लेकिन आप 19 अप्रैल से लेके 1 जून और 4 जून तक चुनाव को ले गए, तो पिछले 2 चुनाव आपने देखे थे तो 10 मई के पहले पहले नतीजे आ गए, 16 मई से 26 मई के बीच में सरकारें बन गई, तो ये जो है इसको पूरी गर्मी में झुलसा देने वाली गर्मी इस बार पड़ी है,
पुरुष कर्मी में जो है उसने वोट परसेंटेज को कम किया है। और पहले सर पहले दो चरणों में तो हमने देखा कि साए थे, बहुत महत्वपूर्ण साए थे, बहुत शादियां थी, हमें मैं हम लोग फील्ड पर कवर कर रहे थे तो हमें होटल नहीं मिले थे क्योंकि होटल बुक थे शादियों की वजह से। नहीं नहीं, शादियां तो एक फैक्टर होती ही है, निश्चित रूप से होती है, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं चुनाव आयोग को, मतलब मैं पहली बार समझ में नहीं आया कि वो 7 चरणों तक चुनाव और उसको जो है 19 अप्रैल से लेके 7-4 जून तक ले गए, ये मुझे हैरत करने वाला वो मामला लंबा खींच लिया जी। लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया। और आपने पूरी गर्मी जैस्मिन, रोहिणी नक्षत्र, नौ तपा जैसी जो चीज़ें हैं, अभी आप देखिए जो 25 कल जो मतदान होने वाले हैं और 1 जून को जब वो उमस वाली गर्मियाँ होंगी तो जो मतदान का प्रतिशत में और गिरावट आने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता जी। तो ये एक तो फैक्टर ये है, दूसरा प्रत्याशी का मैंने आपको फैक्टर बताया, तीसरी चीज़ ये है कि अभी ये देखना बाकी है कि जो भी वोटिंग हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड वोटर्स ने वोट डाला है या कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स ने वोट डाला है। क्योंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो बात करें तो जो भी 2023 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी 40.44% जो है उनका वोट परसेंट इंटेक्ट था। बीजेपी ने अपना 6% वोट बढ़ाया था तो 47% वोट हो गया था। अब वो 6% या 3-4% की जो गिरावट हुई है उससे कितना नतीजों पर कितना असर पड़ता है या चुनावी नतीजों पे में अंतर वोट का अंतर प्रभावित होता है। केसवानी जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चर्चा तुम कितनी भी कर लो, 4 तारीख को तस्वीर जब आएगी तो वो बिल्कुल हमारे ही पक्ष में होगी। केसवानी जी ऐसा है क्या, इतना कॉन्फिडेंस है अभी भी बना हुआ? देखिए अपर्णा जी, जब एंटी इनकम्बेंसी होता है तो 12-10% से ऊपर वोट जाते हैं और कहीं एंटी इनकम्बेंसी वाली बात इसलिए नहीं है कि हम सतत जनता के काम करते आ रहे हैं, जनता के दिलों में राज करते आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 2003 से लेकर सतत हम 21 साल जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। वो इसलिए आशीर्वाद दे रही है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं और जब आप जन आकांक्षाओं पे अपर्णा जी खरे उतरते हैं तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। हम मिशन 29 भी पूरा करेंगे, हम अब की बार 400 भी पूरा करेंगे। वोट परसेंटेज निश्चित रूप से कम हुआ पर यह वो 29वां फूल माला में पड़ेगा ही पड़ेगा। भूपेंद्र गुप्ता जी देख रहे हैं आप, छिंदवाड़ा में तो आप भी थे और जिस तरह से पूरा वहां पर दल बल पूरा लगा हुआ था बीजेपी ने, बड़े बड़े कार्यकर्ता उतरे हुए थे, अमित शाह का वहां पर रोड शो भी हुआ, वो कह रहे हैं कि 29वीं सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। परिणाम ही जो है इनके ढोल की पोल खोलेंगे और ये कितना भी ढोल बजाएं। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई अभी अपर्णा जी आप लिख लीजिए 4 तारीख को हम आपके चैनल पर बैठेंगे और आपका ये भाई निश्चित रूप से भूपेन जी को मिठाई खिलाने का काम करेंगे। ठीक है सर, उनको बोलने दीजिए एक बार। ठीक है जी जी भूपेंद्र जी, अभी ये कह रहे थे जन आकांक्षाओं की इन्होंने बड़ी सेवा की, पूरी पूर्ति की है। देश में पहली बार ये पता चल रहा है कि ये सरकार कैसी थी, भ्रष्टाचारियों की जांच करने वाले भ्रष्टाचारी निकल रहे वो भी जेल जा रहे हैं। पुलिस जो है जिनको जांच जिनकी रक्षा करनी चाहिए जनता की उनको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है वो जेल जा रहे हैं। बलात्कार में जो है न्याय जिनके बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए आपने 3 क्वेश्चन पूछे उसमें जोड़ने की काम कर रहे हैं। मुआवजा देने चाहिए जिन किसानों को इन्हें मुआवजा देना चाहिए उनका मुआवजा जो है पटवारियों के घर के रिश्तेदारों के खाते में चला गया और एक नहीं एक जिले में 36 पटवारियों की इंक्वायरी 16 सस्पेंड। ये इन्होंने शासन दिया देश को, इतनी महान सेवा की, इतना जनकल्याण किया है कि देश तो इनको जो है पानी पी पी के इनकी आरती उतार रहा है और वो आरती अभी 4 जून को दिखाई पड़ेगी कि इन्होंने कितनी खिदमत इस देश की है, कितना जो है उनकी सेवा की है, किस तरीके से उन्हें लूटा है। अभी एक जिले का प्रमाण बता रहा हूँ ये तो मैं देवास का 36 पटवारियों पर कार्रवाई, किसानों का पैसा जेब में। और अभी आपको बता देते हैं एक और जिले में अभी जो है जांच शुरू हुई ये आपके प्रशासन कार्रवाई करने का इस तरह से आपने लुटेरी सरकार मध्य प्रदेश को इसकी बांधी है ये तो आपने मिसालें कायम की हैं।
आपने जो है ये गाय भैंसों का भी पैसा खा गए। हमने तो जनसेवा की बात की और जनसेवा का काम किया है और आगे भी हम जनसेवा करते रहेंगे। ये हमारी सरकार है भूपेन जी जो कार्रवाई करने की हिम्मत करती है। 0% टॉलरेंस माननीय जननायक माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। वापस हो गए, ये इनसे पूछो तो कि ये कहानियां हो कहां से रही है। नर्सिंग कॉलेज में जिनके डायरेक्टर गिरफ्तार हैं जेल में हैं उनको इतनी मान्यता दे दी, ये इतने महान सेवा इन्होंने देश तो आजादी दी है। बनाने वाले प्लाज्मा अटल जी बताएंगे कि गवर्नमेंट में जो नहीं प्लाज्मा भी बना के लोगों ने ढूंढ दिया और इनके जो है गृह में उसी समय के चिकित्सा मंत्री इसकी तारीफ कर रहे थे। हमने साथ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, 5 लोग मरे उसमें। क्या किया इनसे जरा पूछे, ये सेवा की इन्होंने देश की, इतनी खिदमत की है कि लोग इनकी खिदमत से अब इनकी आरती उतारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो निश्चित रूप से 4 तारीख को इनकी आरती उतारेंगे। केसवानी जी देखिए ये आरोप लगाने वाले हैं, ये उस विषय पे भी आके बात आरोप करें नहीं। किसी को ये अरे ये सब आरोप और आलोचनाओं का ही काम है आपका। इसके अलावा कोई चुनाव में आपके कोई चीज को लेके गए क्या? आप वही पुराने किसी भी बातें करके जनता के बीच में जाते हो, जनता भली बात ही समझती है। अरे मेरे भैया आपने उठाई है बात, जवाब ले लेते हैं उनसे। देवास की बात कर रहे हैं, नर्सिंग घोटाले की वो बात कर रहे हैं सर केसवानी जी। आरोप लगाएंगे पन्ना जी, पर हमने 0% टॉलरेंस को लेकर हमने कार्रवाई करने का काम किया है। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको बर्खास्त करने का, सस्पेंड करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है और जांच चल रही है। दूध का दूध और पानी हो जाएगा, कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 0% टॉलरेंस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोहन जी की सरकार है, आप निश्चिंत रहिए। जितना ही कोई बड़ा करसुकदार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं हो, उसके इन्फ्लुएंस को ध्वस्त किया जाएगा। अगर जो दोषी है उसको उसकी जगह जेल की तकीते, वो जेल के अंदर होगा, आप निश्चिंत रहिए जी। अरे कोई वो तो जेल में गिरफ्तार हो गए हैं, मगर दूध किसका पानी किसका? दूध सब आपका, पानी जनता का। ये काम कर रहे हैं आप, दूध का दूध पानी का पानी। अरे खाता खाता नहीं खोल पाओगे मध्य प्रदेश में, लिख लो अभी आप। जिस तरह से आपका टुकड़ा विधानसभा चुनाव में साफ हुआ ना, वैसे ही आपका टुकड़ा अभी लोकसभा चुनाव में साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में आप एक भी सीट नहीं आओगे, देश में आप डबल डिजिट में आ जाओ तो बड़ी गनीमत मानना है। देश में डबल डिजिट मध्य प्रदेश में तो जो है, इस पर कुछ तो जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए कि क्यों पकड़े जा रहे हैं लोग? ज्ञान गंगा बलात्कार कांड में प्रदेश के लोग क्यों गिरफ्तार हुए? क्या कर रहे थे पुलिस वाले? जवाब पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे तो फिर जांच का ठीक है। एक सेकंड ठीक है। अपर्णा जी एक छोटा सा और आंकड़ा दे रहा हूँ। ये सारे पत्रकार बैठे हैं, अचल जी बैठे हैं, रचरोटिया जी भी बैठे हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर अंडर कस्टडी सबसे ज्यादा रेप हुए हैं, पुलिस की कस्टडी में रेप। मध्य प्रदेश का नाम इसमें देश में दूसरा है। ये पूछे इनसे कि इनकी ने ऐसी सरकार दी देश को, ऐसे खिदमत की देश की। सुरक्षा के लिए लोग जो है थाने जाते हैं, सुरक्षा के लिए हम लोग कस्टडी लेकर वहां रेप हो रहे हैं। आप आरोप लगा दे रहे हो, हालत प्रशासन की महिला क्राइम के आंकड़ों में मध्य प्रदेश आगे। और भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात करें तो कस्टडी में ज्यादा रेप हुए हैं। केसवानी जी महिला क्राइम में मध्य प्रदेश आगे है। अपर्णा जी ये आरोप लगाएंगे, अगर क्राइम कहीं हो रहा है, हमारा सरकार अगर हमारे अधिकारी पुलिस अगर काम नहीं कर रही है, अगर केस दर्ज नहीं कर रही है, तो आप ये बताइए। आंकड़े इसलिए भी ज्यादा होते हैं कि हम हर उसको FIR दर्ज करने का काम करते हैं जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने का काम अगर कोई करता है होता है, इसलिए आंकड़े सामने आते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ भूपेंद्र जी। अब राकेश अचल जी, क्या आपने, क्योंकि इतने सीजनड आप एनालिस्ट हैं, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, इन चुनावों को देखकर आपने क्या लगा आपको? पहले कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन फिर अचानक से टेम्परमेंट चेंज नजर आया। क्या ये कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस ने फाइट दी है या जनता लड़ती हुई दिखाई दी है? क्या दिखाई दिया चुनावों में?
देखिए अपर्णा जी, हिंदुस्तान में ये पहला चुनाव है लोकसभा का जिसमें कि ना तो किसी घोषणा पत्र पर सत्तारूढ़ दल टिक पाया है और ना ही उसने अपनी उपलब्धियों का भी ढंग से बखान किया है। इसमें हर दिन मुद्दे बदले हैं, कभी आपका मंगलसूत्र खतरे में पड़ा है, कभी हिंदू मुसलमान बीच में आया है, कभी आप पर विरासत टैक्स का हुआ खड़ा किया गया है, तो रोज़ नए हुआ खड़ा करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई है। और हो सकता है उनके सत्तारूढ़ दल की रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बैठ कर के अपना निर्णय लिया होगा और ये जो 2019 के नतीजे हैं, अगर सत्तारूढ़ दल उन पर कायम रहे तो बहुत अच्छा है, उसको बधाई अग्रिम दे सकता हूं मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पैटर्न पिछले दिनों में देखने में आया मध्य प्रदेश चुनाव में अलग अलग सीटों पर, उसको देखते हुए कांग्रेस ने असहाय होते हुए भी ढंग से लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में शायद जनता उसके साथ खड़ी रही हो। परिणाम क्या आएंगे ये बात अलग है, लेकिन चुनाव बोरिंग बिल्कुल नहीं हुआ। चुनाव में मुद्दे बहुत ढंग से रोज रोज बदले हैं और अंतिम दो चरण जो अब तो उसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, लेकिन अंतिम दो चरण के जो मतदान है उसमें भी आप देखेंगे नया मुद्दा आ गया है। पश्चिम बंगाल में, केरल में हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर के, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी मुद्दा हो गया है। जी ठीक है सिरोठिया जी, एक तो मैं आपसे दो सवाल ले रही हूँ लेकिन शॉर्ट में आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ, हालांकि मुश्किल होता है। साइलेंट वोटर की बात कही गई और दूसरा यहाँ पर एक चीज जो महसूस की मुद्दों को लेकर या मतदाताओं की मुखरता को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी तो दर्ज नहीं देखने को नहीं मिली, उनको लेकर कोई नाराजगी इतनी नहीं महसूस की गई जमीन पर? देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहता हूं कि जो खराब प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारे, जो अपने जिनके खिलाफ इनकम्बेंसी थी, पर्सनल इनकम्बेंसी थी, और वो मोदी के भरोसे, अगर मोदी की मैजिक के भरोसे जीत पाए तो ही जीत पाएंगे, वरना। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि भाजपा के पास में वोटर को बूथ तक ले जाने वाला तंत्र है, कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के जो इंडिविजुअल 7-8 प्रत्याशी हैं, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, छिंदवाड़ा है, मंडला है, आपका सतना है, ग्वालियर है, आपका मुरैना है, भिंड है, राजगढ़ है, धार है, झाबुआ है, तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं, खरगोन भी उसमें शामिल है, कि जहाँ पर कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने बूते पर वो है, वो अपने बूते पर टिके हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मोदी मैजिक के भरोसे है और मोदी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के भरोसे है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि ये महसूस की गई है जमीन पर भी कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी अगर फाइट में मजबूत नजर आया है तो सिर्फ अपने बलबूते पर, क्योंकि वो वहां पर अच्छी तरीके से लड़ने में कामयाब रहा इसलिए, और बीजेपी का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के मैजिक के भरोसे दिखाई दिया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही। हालांकि बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है जो उसकी रूटीन एक्सरसाइज होती है फीडबैक की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कार्यकर्ताओं को 4 जून को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। 17C फॉर्म से मतों का मिलान करने के लिए भी नसीहत दे दी है, यानी कि 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी किसको किसने चुना है। तमाम अपडेट सटीक विश्लेषण के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।